चल रहा है कि कहीं हम लोग जरा सी लापरवाही में ऐसे मौसम में बीमार ना पड़ जाएं। सवेरे सर्दी, शाम को सर्दी, रात में उससे ज़्यादा सर्दी और दिन में हमें गर्मी लगती है। ऐसे में हम लापरवाह होकर अपने उचित कपड़े ना पहनकर कभी कभी पंखा और फ्रिज का पानी का उपयोग कर लेते हैं, जो हमें बाद में एक बीमारी की तरफ ले जाता है। हमें सतर्क रहना है, अपने कपड़ों को नहीं उतारना है, जितना आवश्यक हो सके हमें बहुत ही सावधानी से खाने पीने का अपना समुचित तरीके से देखभाल करके उसका उपयोग करना है। बहुत से लोग अब इस चीज़ को ना समझकर गर्मी है, गर्मी आ गई कहकर कपड़े उतार कर घूमते हैं और जो मन में आया उसको खाने पीने लगते हैं और बाद में पता लगता है कि बुखार और अन्य बीमारियों से वो ग्रसित हो गए हैं। ऐसे लोगों से यही एक अपील है, विनती है कि ये मौसम बदलता हुआ है, इस बदलते मौसम में जब तक तापमान हमारा वायुमंडल का, वातावरण का स्थिर ना हो जाए, सामान्यतः मार्च या होली के आसपास ये सही होता है और मार्च और होली के बीच इस सही होने के लिए लगभग हम सब लोगों को पूरी तरह से जागरूकता और सतर्कता के साथ अपने शरीर की जो व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करने में लगाना चाहिए और अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत विशेष सावधानी से रखने की ज़रूरत है। आइए आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और इस बदलते मौसम में आप लोग सतर्कता के साथ सही खान पीन रखें, अपने सही कपड़े सही समय पर पहनें और गर्मी गर्मी कहकर ना चिल्लाएं। गर्मी तो आने ही वाली है मगर इतनी जल्दी नहीं जितना आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं, और ऐसा करने और सोचने से आप बीमारी में पड़ जा रहे हैं, अस्वस्थ हो जा रहे हैं। सावधानी बरतें और मौसम के साथ मित्रता और दोस्ती का जो व्यवहार है उसको अपनाएं और वास्तव में मौसम जो है वो हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है, हमारा आपका उसमें रहने का अधिकार है। बनाने और देने वाला मौसम जो प्रकृति है वो केवल हमारे आप से परे है, केवल हम आप उसमें रहकर उनको अपने बचाव के तौर तरीके और अन्य सावधानियों से उसका एक तरह से मुकाबला या दोस्ती या सहयोग कर सकते हैं और प्रकृति को धन्यवाद दे सकते हैं कि वो हमें मौसम में हर तरह का जो है आनंद देती है। ऐसे सुंदर मौसम को हम बार बार नमन करें, प्रणाम करें और सावधानी के साथ अपने बदलते मौसम को अच्छे अंदाज में जिए और जीने दें और लोगों की सहायता करें, मदद करें। यही अपील है आप सब लोगों के लिए कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश की सेवा में आगे रहें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।